शाहपुर थाना क्षेत्र के संगम चौराहे के पास रविवार की रात ठेकेदार अजय राजा सिंह के घर में दावत के दौरान बिहार से आए प्रॉपर्टी डीलर 40 वर्षीय राकेश सिंह को गोली मार दी गई। इसके बाद घायल राकेश सिंह को सोमवार को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि 4 गोली लगने से गंभीर रूप से घायल राकेश सिंह को मेडिकल कॉलेज में देर रात भर्ती कराया गया था। बिहार के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राकेश सिंह लॉकडाउन के बीच यहाँ एक बीमार रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज आए थे। रिश्तेदार को देखने के बाद अपने दोस्त अजय राज सिंह के घर गए। अजय ने दावत का आयोजन किया था जिसमें कई और प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार शामिल हुए थे। खाने पीने के दौरान ही गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया और फिर राकेश सिंह को 4 गोली मारी गई थी। इस दौरान अजय खुद अपने घायल दोस्त को लेकर मेडिकल कॉलेज चले गए। उधर पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इस संबंध में सीओ गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने बताया कि युवक की गोली लगने से मौत हो गई। युवक अपने रिश्तेदार को देखने आया था। पार्टी के समय शराब पीने के दौरान गाली गलौज होने के बाद गोली मारी गई थी। उक्त मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने कहा, एक जो कल रात मतलब गोली चली थी शाहपुर थाना अंतर्गत जो पाजी बाजार चौकी के अंतर्गत में, वहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर अपने कुछ मित्रों के साथ अपने निजी आवास में, वहाँ पे ऐसी जो मतलब जाँचोपरांत चीज़ें स्पष्ट हुई कि मतलब दारू वो लोग पी रहे थे, शराब का सेवन कर रहे थे और एक दूसरे को बहुत मतलब चीर परिचित अंदाज से जानते थे। वहाँ कुछ उनके बीच गाली गलौज हुआ और कर्पूर के विवाद को लेकर वहाँ 2 लोग जो नामित हैं उसमें FIR लॉज हुई है। जो नामित अभियुक्त हैं उन्होंने वहाँ पे मतलब अवैध असलहे से फायर कर दिया जिसमें वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया। आज सुबह BRD मेडिकल कॉलेज में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमें लगाई गई हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी।